अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और सर्दियों को एंजॉय कर रहे होंगे। सर्दियाँ जो लेकर आती हैं अपने साथ बहुत सारी सौगातें लेकर आती हैं, लेकिन उन सौगातों में एक चीज़ जो बड़ी पेनफुल लगती है ठंडी हवा के साथ साथ ना, वो होती है ड्राई स्किन। ड्राई स्किन क्या होती है? जब हवा चलनी शुरू होती है ठंडी और खुश्क हवा, वो आपके स्किन के मॉइस्चर को सूख लेती है, उड़ा देती है। और जब स्किन में मॉइस्चर और उसका अपना जो ऑयल होता है जो वो प्रोड्यूस करता है ना, वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, तो स्किन में आते हैं वुंड्स, जख्म आने शुरू हो जाते हैं इनविजिबल। फिर हमें रैशेज होने लगते हैं, जलन होने लगती है, ड्राइनेस होती है, इचिंग होती है और 10 तरह के मसाइल होते हैं इसके साथ साथ। फिर जब हम सर्दी में धूप तापने के लिए जाके बैठते हैं धूप में, वो तो उस वक्त हमें बड़ा मज़ा आ रहा होता है, लेकिन उसके साथ साथ वक्त के साथ साथ वो जो तपिश है ना, हमें करती है टैनिंग। टैनिंग होती है, रंग थोड़ा सा कम होता चला जाता है, होना शुरू होता है, फिर आहिस्ता 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 बहुत ज़्यादा रंग होना शुरू हो जाता है कम। तो फिर क्या होता है जी, सर्दियों में तो रंग, गर्मियों में तो रंग कम हो ही रहा है, सर्दियों में और कम हो जाता है। तो आज इसके लिए मैं लेकर आई हूँ एक ज़बरदस्त किस्म का विंटर सीरम, जो आपकी स्किन में लेकर आएगा ग्लो, निखार, खूबसूरती, इसके साथ साथ लेकर आएगा कोरापन, टैनिंग को कम करेगा अगर आप इसका बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं। और इतना ज़बरदस्त ये सीरम है, आप इसको हर किस्म की स्किन टाइप के लोग यूज़ कर सकते हैं, छोटा हो, बड़ा आदमी हो कि औरत हो, आंटी हो कि अंकल हो, दादा हो या दादी, नाना नानी, सब यूज़ कर सकते हैं इसको। ये इतना इफेक्टिव है और इतना कम इसका कोई साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट नहीं होगा। आप इसको स्किन में कहीं भी अपने हाथों, पैरों, मुंह, बालों के अलावा, सर की स्किन के, सर के अलावा आप इसको कहीं भी चाहें आप उसे लगा सकते हैं और आपकी स्किन में फ़ायदा होगा अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं। सोने से पहले लगा सकते हैं, जब आपने मुंह धोया है, राइट आफ्टर फेस वॉश आपने इसको यूज़ करें, आपकी स्किन में ग्लो आएगा। ये जो मेरी स्किन में ग्लो आ रहा है ना, ये भी इसी का कमाल है, क्योंकि मैंने इसको लगाया हुआ है, मैं इसको लगाती हूँ और यूज़ कर रही हूँ, तभी मैं इसको रिकमेंड भी कर रही हूँ। पैरों में भी लगाएं, शावर लेके निकले हैं, गर्म पानी से स्किन पूरी ड्राई हो रही है, तो फिर आप इसको लगाएं और आपकी स्किन अच्छी शाइनिंग ग्लोई हो जाएगी। इसके ऊपर आप लगाएं अपनी पसंद का कोई भी मॉइस्चराइज़र जो आप यूज़ करते हैं, नहीं लगाते कोई मसला नहीं है, बस इसको लगाना है। लगा के स्किन को क्या करना है मैं आपको बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे इसको बनाना कैसे है। तो चलिए जी चलते हैं रेसिपी के प्रोसेस की तरफ, उसके बाद आके बात करेंगे किसके साथ करना क्या है। जी वेलकम है। सबसे पहले मैंने लिया लेमन जूस, जो कि मैं स्क्वीज़ कर चुकी थी, निकाल चुकी थी, छान चुकी थी अच्छे से, एक खाने का चम्मच। मैंने इसके साथ लेनी है ग्लिसरीन, ताज़ा बॉटल है। इसके अलावा मैंने लिया रोज़ वाटर, जो कि किसी भी कंपनी का होगा। आपको ये सारी चीज़ें आराम से मार्केट में मिल जाएंगी, मेडिकल स्टोर्स पे भी अवेलेबल होती हैं ये, और पंसारी की दुकान पर भी आराम से मिल जाती हैं। एक चौथाई साइज़ का कप लिया। इसके अलावा स्प्रे बॉटल, जिसमें मैंने ये सारा सॉल्यूशन सेव कर लेना है। आप पम्प बॉटल भी ले सकते हैं, आप ड्रॉपर वाली बॉटल भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद आए, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप वो बॉटल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो बॉटल अच्छी तरह वॉश होनी चाहिए ताकि हमारे जो सॉल्यूशन है वो कंटामिनेट ना हो, किसी किस्म का और कोई जम उसमें ना लग जाए। सबसे पहले मैंने डाला ये एक खाने का चम्मच लेमन जूस। और अगर आपको मेरी रेसिपी में कोई बात समझ में नहीं आती है, डिस्क्रिप्शन में आराम से सब चीज़ें अवेलेबल होंगी, मेरा इंस्टा और फेसबुक अकाउंट भी अवेलेबल होगा, आप वहाँ से मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं और इस रेसिपी की तमाम तर इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। अब मैंने लिया रोज़ वाटर, रोज़ वाटर मैंने लेना है एक चौथाई कप, वो मैंने इसमें स्टाइल से डाल के और बहुत एटीट्यूड के साथ बॉटल में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। इसके बाद मैंने ग्लिसरीन भी शामिल कर लिया, ये मैंने डाल लिया इसमें। अब लेनी है हमने एक खाने का चम्मच, जो कि मैं लेकर आ गई हूँ, इसमें मैंने डाली ग्लिसरीन, एक खाने का चम्मच ग्लिसरीन लेनी है। याद रहे जितनी हमने ग्लिसरीन लेनी है उतना ही लेमन जूस लेना है, और ये सारा सॉल्यूशन मेरे एक हफ्ते के यूज़ के लिए काफ़ी है। एक हफ्ते के अंदर अंदर मैंने ये सब डिस्कार्ड कर देना है और उसके बाद मैंने इसको दोबारा बनाना है। उसकी वजह यह है क्योंकि इसमें फ्रेश लेमन जूस शामिल है, वो ख़राब हो सकता है और आपकी स्किन को थोड़ा सा हार्श भी हो सकता है। अगर आप लक्कड़ पत्थर हजम है तो आप ऐसे ज्वाइन यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने स्प्रे बॉटल में ट्रांसफ़र करके अच्छे से शेक किया, मिक्स किया इसको अच्छी तरह से, और इसको मैंने स्प्रे अपने हाथ पे करके, देखें आप क्या ग्लो आई है इसके बाद, और ये हर चीज़ के लिए इफ़ेक्टिव है। अब जब हम इतने होशियार हो चुके हैं कि हम रेसिपी बना के आ चुके हैं, हमने इसको बॉटल को, मैंने तो स्प्रे बॉटल में लिया ना, आप चाहें इसको ड्रॉपर की बॉटल में रख सकते हैं, आप चाहें तो इसको रेगुलर ऐसी आम सी बॉटल में भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने रखा इसमें ऐसे, क्योंकि मुझे मिस्ट की तरह यूज़ करने में इसको बहुत मज़ा आता है। और यकीन जाने आप मिस्ट की तरह अगर करके इसको फ्रिज में रखते हैं और मिस्ट की तरह इसको यूज़ करते हैं, तो आपको भी वाकई बड़ा मज़ा आने वाला है। तो
अब इसके साथ करना क्या है, जब मैं अच्छे से फेस वॉश करके आ गई हूँ, दिन में सुबह का टाइम, दोपहर का टाइम या रात का टाइम, सोने से पहले मैंने क्या करना है, मैंने हिलाना है इस बॉटल को, ताकि इसके तमाम तर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो एसेंशियल ऑयल या जो चीज़ें मैंने इसमें शामिल की हैं, वो अच्छे से मिल जाएं, उनके मॉलिक्यूल्स आपस में टूट टूट के मिक्स हो जाएं, झाग निकल आए ना, मिक्स हो गई है। तो फिर इसको करने के बाद अपनी स्किन पे ऐसे फुस 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 करना है, कभी कभी नहीं पूरा निकलना था। और ये करने के बाद अपनी स्किन पे थोड़ी देर में, मतलब इसको थोड़ा एब्जॉर्ब होने देना, उसके बाद इसको ऐसे 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 करके पूरी स्किन पे डैप डैप करके इसको एब्जॉर्ब करा लेना। इसमें जो शामिल ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन में एक अल्लाह ताला ने खसूसियत ये डाली है कि ये आपके ज़ख्मों को भरता है, हील करता है। इसके अलावा जो आपकी स्किन में मॉइस्चर होगा, उसके लिए ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा। मतलब अगर आप इसको लगा के बाहर निकलते हैं तो आपको जो ड्राइनेस है ना आपकी स्किन की, वो उड़ नहीं सकेगी खुश्क और ठंडी हवा की वजह से। इसके साथ साथ जो मैंने इसमें शामिल किया है लीमू, लीमू का तो फ़ायदा आप सबको पता ही है कि विटामिन सी रिच्ड होता है, और अगर आपको टैनिंग होती है, आपको धूप की गंदगी की वजह से या किसी और वजह से आपकी स्किन में पिगमेंटेशन हो रही है, रंगत आपकी कम हो रही है, तो आप ये जो सीरम है, इसमें लीमू जो शामिल है, वो ये सारे इश्यूज को सॉल्व करने वाला है। और सबसे बड़े मज़े की बात ये कि वो इंतहाई है, हमारा इंतहाई पुराना कोई टोटका है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेमेडी बिल्कुल पसंद आने वाली है। अगर पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना नहीं है। शेयर तो करना है ना, ताकि अगलों का भी फ़ायदा हो, आपको भी सवाब मिले, मुझे भी सवाब मिले। दुआओं में याद रखिएगा, कोई गलती हुई हो तो उसे बिल्कुल माफ़ कीजिएगा। अपना और अपने आगे पीछे सब लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।